होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन द्वारा अवैध शराब की तस्करी पर भी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में चंदौली में हजारों लीटर अंग्रेजी व देशी शराब पर बुलडोजर गरजा। वहीं शराब की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दरअसल चंदौली जिले के सदर मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में अभियोजन अधिकारी न्यायालय आबकारी निरीक्षक लिपिक एवं सदर थाना पुलिस समेत क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 18,982 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी कीमत लगभग 1,15,00,000 रुपए थी। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा 27 मामलों में जब्त की गई 18,982 लीटर अवैध शराब को कमेटी बनाकर नष्ट कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,15,00,000 रुपए है। आज थाना चंदौली के अंतर्गत 27 मुकदमों की जो अंग्रेजी शराब और देसी और बियर 18,882 लीटर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 27 मुकदमों का ये निस्तारण हुआ और माननीय न्यायालय द्वारा कोर्ट द्वारा कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा जो जितनी भी शराब थी उसका विनष्टीकरण कराया गया है। नष्ट कराई गई शराब की कुल कीमत कितनी होगी? लगभग 1,15,00,000 के लगभग इसकी कीमत है। गौरतलब है कि बिहार बॉर्डर से सटा जनपद होने के कारण चंदौली में आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए चंदौली पुलिस लगातार अभियान चला रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में शराब की अवैध तस्करी पर आके क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए चंदौली टीम की रिपोर्ट। इसके साथ ही देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।